सो हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या फिर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप ये कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप कर सकते हो अपने कोडिंग के जर्नी के दौरान, जैसे कि आप पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो या फिर सी और सी प्लस प्लस सीख रहे हो। मैं ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बताने वाला हूं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बताऊंगा। मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा ऐसा जो आपके पास अगर कम टाइम है, जैसे कि 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, और इतने टाइम में आपको प्रोजेक्ट या तो कॉलेज में सबमिट करने हैं या फिर अगर आप 12th में हो, अगर आपको स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं वो भी कोडिंग का, या फिर समर इंटर्नशिप आने वाला, या कॉलेज में के साथ साथ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो बट आपने कोई प्रोजेक्ट तो किया ही नहीं, उसमें आप या तो गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर किसी और प्रिपरेशन में बिजी थे, तो मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग का प्रोजेक्ट जो शायद आप कर सकते हो अपने कोडिंग के जर्नी में। इसके लिए ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगा, आप अकेले खुद कर सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोई भी ऐसा ऐप जो ऑलरेडी है, मान लो व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो फेसबुक भी हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो ई कॉमर्स का कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। आप उस ऐप में अगर आपको लगता है कि कोई इन्हेंसमेंट की बहुत ज़रूरी है तो वो आप इन्हेंस कर सकते हो। तो जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, कोई भी फ्रेमवर्क सीखते हो ना, तो उसका जब उससे आप फुल स्टैक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाते हो तो मेक श्योर कि उसके बाद आपको लगता है कि जैसे अमेजन की वेबसाइट है या फेसबुक, उसमें कोई इन्हेंसमेंट है आपके हिसाब से, ये चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो तो यूज़र को मज़ा आ जाए या फिर उसको एक अलग सा अच्छा एक इंटरफेस मिल सकता है, एक अच्छा फील मिल सकता है, तो आप उसको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कर सकते हो। मतलब आप खुद का एक प्रोजेक्ट बनाओ, वेबसाइट बनाओ या फिर सॉफ्टवेयर बनाओ और उसमें आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दो। यकीन मानो कंपनी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाई है वो कॉपीड है या क्या है, नहीं है। उससे ये फर्क पड़ता है कि ये चीज़ आपको बनाना आ गया, लॉजिकल स्किल्स आपकी है, आप कॉपी कर सकते हो, इवन आप लॉजिक लगा सकते हो, तो कंपनी को इससे यही काफी है कंपनी के लिए। तो इसको आप बेटर कैसे कर सकते हो, वो आपका बेटर आइडियाज। आज के टाइम में आइडिया, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन तो निकाला जा सकता है टीम के साथ, लेकिन एक न्यू आइडिया में ज्यादा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट अब मैंने आपके लिए चूज किया वो है टू डू लिस्ट। अगर आपके पास कम टाइम है ना, 5 दिन, 2 दिन, 10 दिन, तो आप अगर सोलो हो तो टू डू लिस्ट बना सकते हो। टू डू लिस्ट इन द सेंस कि जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट का भी टू डू लिस्ट देखा होगा, गूगल का भी टास्क होता है, तो आप और वेबसाइट्स तो बहुत सारे हैं, तो आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हो कि पूरे दिन में, पूरे महीने में या आज अभी एक घंटे के अंदर थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के। मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, इसमें और ज़्यादा आप इन्हेंस कर सकते हो। तो टू डू लिस्ट वो चीज़ होता है जिसमें आप अपना खुद का आइडिया लगाओगे कि हमें एक घंटे के बाद क्या करना है, अगर हमें कोई चीज़ का रूटीन सेट करना है तो मैं अपने फ़ोन में ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ ना, इसके साथ साथ आप API यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी सीखे हो या नए हो इसमें, या आपके पास एक टीम भी है या फिर आप सीख रखे हो, तो आप गूगल के डेवलपर मोड में जाओगे ना, तो स्प्रेडशीट्स मतलब कि एक्सेल का और गूगल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उनके APIs हैं, तो उसको आप अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, उसको अपने आप जो टू डू लिस्ट बनाओगे ना उससे सिंक करा सकते हो, उसमें अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगा सकते हो। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए, वो है आइडिया ट्रैकर। आइडिया ट्रैकर इन द सेंस, आज के टाइम में बहुत सारे आइडियाज बहुत से लोगों को आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो या तो मन में रखते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है, बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि आइडिया एक ऐसी चीज़ है ना कि मन में आपको आएगा और अगर आपने उसको एग्जीक्यूट या फिर कहीं ऐसे जगह पर नहीं लिखा तो क्या होगा, वो चला जाएगा आपके माइंड से। तो आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया ट्रैकर ऐप बना सकते हो, ऐप या वेबसाइट बना सकते हो। इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए किसी लोग को मन में कोई आइडिया आया, तो उस ऐप में उस तरीके से डिजाइन कर सकता है, कब आया, नहीं आया, टाइटल क्या है, क्या करना चाहते हो, आपका ऐप खुद उससे इनपुट ले और वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर पाए। अगर उसके दोस्त को लगता है कि कोई चीज़ इसमें इन्हेंस करने की ज़रूरत है, तो उसका दोस्त भी एट अ टाइम इन्हेंस कर सकता है, और ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। अगर आप 12th में बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, माइनर मेजर, या फिर आप समर इंटर्नशिप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आप बना सकते हो, और ये काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज किया वो है एक प्रकार का मतलब आप कह सकते हो कि लिंक क्रिएशन। अ मर्ज्ड रजिस्ट्री क्रिएट्स अ मर्ज्ड व्यू ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रीज। आज के टाइम में आप देख रहे हो कि शादी होती है, बहुत सारे वो होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ों का शॉपिंग करना है आपको, मार्केट जाके क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, तो हमें क्या होता है कि अगर 5 लोगों को वो चीज़ करने हैं, उनसे डिस्कस करने हैं, तो हमें 5ों को अलग अलग बैठा के पूछना होता है। लेकिन क्या आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिससे लोग क्या करेंगे ना, उसमें सारी चीज़ें लिस्टिंग होगी, हमें क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, किनके लिए खरीदनी है, और वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, लोग अपने आप से उसमें चेंज कर
सके, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो चेंज कर सके और हर किसी के पास उसका एक्सेस हो। तो ये काफी यूनिक चीज है, आप सोचिएगा और ज्यादा इनको इनहेंस कर सकते हो आप अभी क्योंकि प्रोजेक्ट करने वाले हो, तो आपके पास इसके इससे बेटर आइडियाज में और ज्यादा आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके लिए मैंने चूज किया वो ब्रांचिंग ऑफ कन्वर्सेशंस, एक प्रकार का काइंड ऑफ चैटबॉट होने वाला है। चैटबॉट से क्या करते हैं, अपन जब बात करते हैं ना तो क्या होता है कि हम उससे हर चीज की हर चीज बात कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है समटाइम मशीन लर्निंग भी आप लगा देते हो ना तो जितना आपने ऐड किया है क्वेश्चन एंड आंसर्स उतने ही उससे आप बात कर पाओगे। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब चैट का एक वो हो जैसे एक आदमी मल्टीपल पर्सन से बात कर पाए और सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो, ठीक है, तो वो सबके अलग अलग अनुसार इंटरेस्ट के अनुसार आदमी के सोच के अनुसार आदमी के एज के हिसाब से सब कुछ अलग हिसाब से उसमें कन्वर्सेशन हो पाए, राइट। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस बन सके इसके कन्वर्सेशंस के, तो इसके बारे में आप और ज्यादा सोचेंगे ना थोड़ा सा मशीन लर्निंग। और लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, ऑफकोर्स यू कैन डू दैट, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च कहाँ से करोगे, Kaggle.com, Google पर ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेक श्योर जब आप उसका प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले ही सीख लीजिए, जो जो चीजें आपने यूज किया है आप उम्मीद करिए कि वो जहां प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे ना, या फिर कोई HR इंटर्नशिप के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपसे HR वही चीज पूछेंगे जो आपने बनाया है। तो मेक श्योर जो जो टूल्स उसमें यूज हुए हैं आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे बड़ी बात है गूगल करिएगा तो सारी चीजों का एलिब्रेशन अच्छे से प्रोजेक्ट कॉपी मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज किया हुआ है क्रोम एक्सटेंशन, देखो थोड़ा सा आपको सुनने में टफ लग सकता है कि क्रोम एक्सटेंशन यार कैसे बनाएंगे, अब तक तो एक्सटेंशन यूज करते आ रहे हैं, लेकिन देट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। आप किसी वेबसाइट में जैसे लगाते हो ना उसमें बहुत सारी चीजों का आप देखते हो तो काम करता है, सिंकिंग करता है हमारे वेबसाइट के साथ, हमारे ब्राउजर के साथ, तो काइंड ऑफ क्रोम एक्सटेंशन भी वही है, जो ऐसा कुछ बनाओ जो हमारे क्रोम के साथ किसी वेबसाइट के साथ, सिर्फ अपना ही वेबसाइट नहीं किसी वेबसाइट के साथ वो सिंक कर सके, और ये काफी इजी है, पाइथन के साथ आप कर सकते हो। और ये सिर्फ ये मैंने जो आपके लिए चूज किया था, जो हमारी टीम ने आपके बनाया था, वो था रिव्यू सिस्टम, कि आप जैसे कि कोई भी चीज का रिव्यू हमें करना हो ना तो ओपनली रिव्यू कर सके और वहां पे हम उसको दिखा सकें कि इसका कितना रैंक है, क्या है नहीं, ये कितने लोगों ने इस वेबसाइट को यूज किया है आज, तो लोगों को एक एक्सपीरियंस लगता है क्योंकि एक काम के लिए तो मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकते हैं ना, तो उसको रिव्यू सिस्टम पता चल जाए, तो आप उसके लिए क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो। सिंपली कुछ नहीं होता, क्रोम एक्सटेंशन वेबसाइट का डेटा लेते हैं अपन, उसको स्टोर करते हैं और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं उसको, ताकि लॉजिक एक ऐसा लॉजिक लगा दो जो यूजर आए उसके कितना देर वो रुका वहां पर, कितना टाइम स्पेंड किया, कौन कौन सा पेज विजिट किया, तो उसके हिसाब से आप मशीन लर्निंग लगा के आप कर सकते हो, बिना मशीन लर्निंग का भी कर सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज किया है वो है फोरम ऑन द फ्लाई। अब ये क्या होता है जी, जैसे कि आपने मैंने लिखा है यहाँ पे कि बी एबल टू क्रिएट अ वेरी क्विक फोरम ऑन द फ्लाई बाय जस्ट सेंडिंग अ लिंक सपोर्टिंग कन्वर्सेशन थ्रेडिंग एंड अदर थिंग्स। मतलब एक ऐसा क्या हम वेबसाइट अपन बना सकते हैं जहां पर अब जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीजें इन द सेंस कि हमें मंगानी है, घर में होनी चाहिए, कन्वर्सेशन से रिलेटेड सारी चीजें एक वेबसाइट पर अवेलेबल हो, ताकि हमें कभी भी एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कभी के समय में नोट्स है, नोट्स यही काम करता है, लेकिन क्या आप उसको और इनहेंस कर सकते हो, क्या उसका एक्सेस आप किसी और फ्रेंड को दे सकते हो, क्या उसमें मल्टीपल यूजर एक साथ कर सकते हैं, क्या उसमें ब्रदर मदर सिस्टर फादर सबका अलग अलग ऑप्शन हो सकता है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। और देखो जब मुझे इतना लग रहा है और आपको तो अभी अगर दिखाने हैं कॉलेज में तो आप सोचोगे तो हो सकता है मुझसे बेहतर सोच पाओगे, तो इसके लिए आप और सोचिएगा, ज्यादा ज्यादा गूगल कर लीजिए, गूगल में काफी सारे वेबसाइट्स ओपन होंगे, वहां पर आप ज्यादा इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज किया है ना वो ऑनलाइन पोल्स। देखो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पोल्स का है जहां पर चीट होती है, जहां पर जो ओरिजिनल नहीं होते, जो मतलब काइंड ऑफ कॉपीड है, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लोग भरोसा नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा एक वेबसाइट रेडी कर सकते हो जहां पर पोलिंग हो सके, मतलब लोग किसी भी चीज का पोल करा सके, जैसे यूट्यूब पे होता है ना पोल का, आप देखा होगा, जैसे आप टेलीग्राम पे पोल कराते हैं अपन, अब तो व्हाट्सएप पे भी पोल करा सकते हैं, तो क्या आप इसका एक वेबसाइट बना सकते हो जिसमें काफी अलग अलग फीचर्स हो, जिस तरह से वोटिंग होता है ना उस तरह से आप पोल करा सको, तो यूजर क्या होगा अपने हिसाब से आपके वेबसाइट को यूज करेगा और जिस तरह से पोल कराना होगा पोल करा के मतलब लिंक क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए लिंक एक पोल का पोल बनाया और जिससे जिसे पोलिंग कराने हैं उसको एक लिंक सेंड कर दिया, तो लिंक के थ्रू जाके लोग पोलिंग कर सकते हैं। माना कि ये सब बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, पर आप अपनी लॉजिक लगाओगे ना, तो जब आप रिसर्च करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे ना, R&D करोगे, तो आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा कि आप इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज किया ना वो है सोशल बुक रिकमेंडर। देखो क्या होता है कि जब आप कोई बुक खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो तो उसका अमेजन एक स्लिप बनाता है, स्लिप इन द सेंस कि उसका एक कॉपी बनाता है, रिसिप्ट बनाता है, तो अब वो आपको ईमेल भी करता है। तो क्या आप एक ऐसा वेबसाइट रेडी कर सकते हो जैसे कि आपके अकाउंट से,
देखो आप उसका एपीआई यूज कर सकते हो, तो आपके अकाउंट से कौन कौन से बुक खरीदे गए हैं, फिर किसी आपके दोस्त के अकाउंट से कौन कौन से बुक खरीदे गए हैं, इस तरह से आप कईयों का आप देख सकते हो कि किन कौन कौन मतलब स्पेशली ये बुक के लिए, जैसे क्या होता है लोगों को अगर बुक पढ़ने का मन होता है ना तो नहीं चूज कर पाता है कि उसको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, उसको रिकमेंड करने के लिए आप एक ऐसा वेबसाइट रेडी कर सकते हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी कर सकते हो जिसमें आपके दोस्त या फिर लोगों ने क्या क्या बुक पढ़ी है, कितना ज्यादा रेटिंग है उसका, और उसके हिसाब से और जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं, जो आपके यूजर पढ़ना चाहते हैं, उसको आप रिकमेंड कर सको, राइट। तो ये काफी बेहतर तरीका है कि जब आप किसी और का डेटा लोगे और उससे आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर पाओगे कि हाँ ये इंटरेस्ट का ये चीज है इतने लोगों ने खरीदा, ये इंटरेस्ट का ये चीज है इतने लोगों ने खरीदा, या आपके ग्रुप में ही कितने दोस्तों ने खरीदा, फिर आप उसको अपने नए दोस्त को रिकमेंड कर पाओगे। माना कि आपको सुनने में थोड़ा सा चीजी लग सकता है, थोड़ा सा इजी लग सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, थोड़ा लगता है कि एग्जिस्टिंग है ही नहीं, लेकिन जब आप इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लेकिन जब आप इसके बारे में और ज्यादा सोचोगे, गूगल करोगे ना, तो आपको और ज्यादा आइडिया इसके बारे में लगने वाला है, क्योंकि मैं सब चीज तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। अगर एक वेबसाइट एक प्रोजेक्ट होता तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो कैसे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं। बाकी चीज मैं आप पे छोड़ देता हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो, राइट। तो यार आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको चाहिए कि प्रोजेक्ट चाहिए, मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट ही चाहिए, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर रहे हो पर नहीं खोज पा रहे हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम है ना आपको रिसर्च करके प्रॉपर लिंक भेज देगी कहाँ पर ये आपको मिलेगा। आप प्रोजेक्ट का नाम भेज दीजिएगा नीचे कि हमने अभी जितने सारे प्रोजेक्ट्स आपको बताए ना, वो आप किसी एक प्रोजेक्ट जो आपको पसंद हो आप उसमें कमेंट डाल सकते हैं कि हमें ये चाहिए और इसके बारे में जानकारी और ज्यादा चाहिए, आप गूगल पे नहीं कर पा रहे हो, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें वहाँ पे भेज सकते हो। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है, जो अभी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अपने कॉलेज या स्कूल के दौरान, जिसका इंटर्नशिप या जॉब का टाइम आ गया है। और साथ ही साथ आपको ये दो रिकमेंडेशन भी दिख रहे हैं, तो अगर आपको और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों वीडियो को कंसीडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।